आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्व एन सी आर टी चैप्टर वन मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस तो ये चैप्टर जो है कंटिन्यूएशन रहेगा जो हम लोगों ने क्लास इलेवन में रिलेशंस एंड फंक्शंस किया था तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये दोनों कोर्स पहले आप लोग कर लीजिए मेरा जो यूट्यूब चैनल पर है सेट्स चैप्टर वन क्लास इलेवन एन सी आर टी और फिर रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास इलेवन एन सी आर टी ये दोनों चैप्टर कर लीजिए तब ये चैप्टर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसका आप लोग को फील आएगा और ये जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली एन बेस्ड होगा ठीक है तो ये वीडियो अगर देख के आप लोग एन फिर देखोगे तो लगेगा कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही हो रहा है तो ये वीडियो के साथ साथ आप लोग एन को भी रखिए और ये वीडियो में हम लोग मोस्टली कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर कुछ सिंपल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपका ड्यूटी क्या रहेगा कि आप लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो मिसेलेनियस एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके बोर्ड्स के लिए हैं मोस्टली मतलब इसमें हम लोग जे ई मेन्स के प्रॉब्लम जो हैं उनको उनको सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन ये ऑब्वियसली आप लोग का कोई जे ई मेन्स में कोई अलग मैथ्स नहीं हो जाता है मैथ्स यही रहता है तो ये आप लोग को एक सॉलिड फाउंडेशन भी बिल्डअप करते रहेगा जे ई मेन्स के लिए तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पूरा आपका जो बेस है वो फाउंडेशन uh, जो है वो सेट करता है आपके आगे के पूरा कैलकुलस के लिए या फिर पूरा मैथमेटिक्स के लिए तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन्स क्या होता है ठीक है अलग अलग टाइप के रिलेशन एम रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इक्वैलेंस रिलेशन ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इन्वर्टिवल फंक्शन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जब इन्वर्स ट्रिकोनिटिक फंक्शन करेंगे फिर लास्ट में कुछ बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास इलेवन में क्या किया था रिलेशनस एंड फंक्शंस में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा था वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स तो इसका डेफिनेशन क्या था कि हमारे पास मान लो दो नॉन एम सेट्स हैं एक सेट को हम लोग पी कह रहे हैं एक सेट को क्यू कह रहे हैं तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू दैट इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू सो दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू तो इसका मतलब क्या है किसी का एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो हमारे पास सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट्स है ए बी ठीक है ए बी और फिर सेट बी है जिसमें ये चार एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस तो अगर हम लोग कार्टिशन प्रोडक्ट ले रहे हैं ए क्रॉस बी तो हम लोग ये सारा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें कि पहला एलिमेंट जो है सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी से आएगा ठीक है तो इसको अगर कंबाइन करोगे तो इसको ऐसे सोच सकते हो तो कि ए है फिर ए के साथ क्या आ सकता है पी क्यू आर एस है ना ए के साथ पी क्यू आर एस तो ए कॉमा पी ए कॉमा क्यू ए कॉमा आर ए कॉमा एस फिर बी के साथ ये चारों बी पी बी क्यू बी आर बी एस है ना और फिर इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एट डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए तो इसको जो है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं फिर हम लोगों ने देखा था कि यही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है मतलब ये जो आपका सेट बना है तो इसका जो हम लोग एक सबसेट डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग रिलेशन कहते हैं तो मान लो कि हमारे पास दो सेट है यहाँ पर एक सेट है पी जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी और फिर दूसरा सेट है क्यू जिसमें ये पांचों नाम है अली भानु बिनोई चंद्र दिव्या अब हम अगर हम लोग पी क्रॉस क्यू लेंगे तो क्या होगा ए कॉमा अली ए कॉमा भानु ए कमा बिनोई ए चंद्रा ए दिव्या है ना फिर बी के साथ ये सारा फिर सी के साथ ये सारा तो वो हमारा पी क्रॉस क्यू हो जाएगा मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रिलेशन ऑप्टेन करने के लिए कि कुछ भी एक डिफाइन कर देंगे रिलेशन ये पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में तो वी कैन नाउ ऑप्टेन अ सेट ऑफ वी कैन नाउ ऑप्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू बाई इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर बिटवीन दी फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट वाई ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमाए मतलब कुछ ऐसा रिलेशन हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि बस जो ऑर्डर पेयर्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा बस उसको जो है हम लोग रिलेशन आर में लिखेंगे तो मान लो मैं ये कहता हूँ कि रिलेशन आर मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि उसमें बस वो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स कॉमा वाई सस दैट एक्स जो होगा वो फर्स्ट लेटर होगा आपका नाम वाई का ठीक है जिसमें कि एक्स जो है सेट पी से आएगा और वाई जो है सेट क्यू से आएगा तो अगर हम लोगों ने ये क्राइटेरिया यहाँ पर रख दिया है तो इसमें क्या होगा कि ए कॉमा अली क्वालिफाई होगा क्योंकि ए है और फिर अली का ये पहला लेटर है ना तो ए कॉमा अली क्वालिफाई हो जाएगा ए कॉमा भानु नहीं होगा क्वालिफाई क्योंकि ए है यहाँ पर बी है फिर आपके पास बी भानु जो है वो हो जाएगा क्योंकि बी बी है फिर बी कॉमा फिर सी कॉमा चंद्रा तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किया है इसमें बस ये जो चारों हैं ये हमारे पास आ जाएगा है ना तो ये रिलेशन आर क्या होगा सबसेट होगा ये पी क्रॉस क्यू का तो इसको हम लोग ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि ए जो है पहला लेटर होना चाहिए इसका है ना तो ए कॉमा अली फिर बी कॉमा भानु बी कॉमा बिनोए सी कॉमा चंद्रा और फिर हम लोगों ने देखा था डोमेन मतलब ये रिलेशन आर में जितना भी ये फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर सेट बना दोगे तो ए बी सी है ना रिपीट करके नहीं लिखते हैं तो ए बी सी तो ये हम लोग का डोमेन हो गया फिर रेंज यहाँ पर जो भी इमेज है अली भानु बिनोई चंद्रा तो वो आपका रेंज हो गया और कोडोमेन अगर रिलेशन P से Q में डिफाइन कर रहे हो P क्रॉस Q तो फिर ये पूरा जो सेट Q होगा वो आपका कोडोमेन होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने क्लास इलेवन में जब पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन उसमें हम लोगों ने देखा था तो जिसको भी ये सब में कन्फ्यूजन आ रहा है तो वो वाला कोर्स एक बार जाके देख लो और फिर जैसे यहाँ पर हम लोग P क्रॉस Q में रिलेशन बता रहे हैं है ना तो मान लो कि अगर मैं P क्रॉस P में रिलेशन बताता P क्रॉस P तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है उसमें आपके पास A कोमा ए है ना फिर मतलब ए के साथ ही इसके साथ मतलब ए कॉमा ए फिर आपके पास ए कॉमा बी फिर आपके पास ए कॉमा सी है ना सिमिलरली फिर आपके पास बी के साथ सब कुछ आएगा बी कॉमा ए बी कॉमा बी बी कॉमा सी फिर सी के साथ सारा आएगा ठीक है मैं सब कुछ को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ तो जनरली इस टाइप का जो होता है कि पी क्रॉस पी ले रहे हैं तो इसको हम लोग रिलेशन इन पी कह सकते हैं ठीक है जिसमें कि डोमेन आपका और कोडोमेन जो होगा वो सेम होगा मतलब पी क्रॉस पी तो उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू लेकिन अगर सेम सेट में हम लोग ले रहे हैं तो रिलेशन इन पी भी उसको कह सकते हैं ठीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले कर लिया है क्लास इलेवन के कोर्स में तो जिसको भी दिक्कत आ रही है तो एक बार पहले वो जाके कोर्स देख लो फिर ये वाला कोर्स कंटिन्यू करना अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन्स में जाते हैं तो ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग अब टाइप्स ऑफ रिलेशन्स में जाते हैं ठीक है कि अलग अलग टाइप का रिलेशन क्या हो सकता है तो मान लो हमारे पास एक कोई भी सेट uh, ए है ठीक है तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए तो जैसे मैंने कहा इन अ सेट ए मतलब क्या कि ए क्रॉस ए का जो है हम लोग कुछ यहाँ पर सबसेट लेने वाले हैं रिलेशन आर में तो रिलेशन आर इन अ सेट ए इसको एम रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज आर इज एन एम सेट तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं ना तो फिर ए क्रॉस ए अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे है ना सारा जो अभी हम लोगों ने देखा था तो अब रिलेशन आर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो जो है वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा मतलब कि जो रिलेशन आर होगा उसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा मतलब रिलेशन आर जो होगा वो आपका एम सेट हो जाएगा तो इस केस में ये जो रिलेशन है इसको हम लोग एम रिलेशन कहेंगे तो मान लो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एक रिलेशन है हमारे पास कंसिडर ए रिलेशन आर इन दी सेट ए तो सेट ए है वन टू थ्री फोर तो आपका ए क्रॉस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो आपके पास वन कॉमा वन है ना फिर वन के साथ सारा आएगा वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर ये सारा वन के साथ आएगा फिर आपके पास फिर सारा टू के साथ आएगा टू कमा वन टू कमा टू 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 कमा थ्री टू कमा फोर एंड सो ऑन फिर थ्री के साथ फिर सारा फोर के साथ तो लास्ट में आपके पास फोर कमा फोर ठीक है तो ये जो है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है ना ए क्रॉस है अब रिलेशन आर हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि आर इज इक्वल टू ए कमा बी मतलब कि इसमें बस वो ऑर्डर पेयर्स क्वालिफाई करेंगे जिसमें कि ए माइनस बी जो है वो टेन होना चाहिए ठीक है तो ऐसा तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो है ना कि अगर आप डिफरेंस लोगे वन माइनस वन जीरो वन माइनस टू माइनस वन या फिर टू माइनस वन वन फोर माइनस थ्री वन है ना तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को तो उसमें क्या हो जाएगा ये जो रिलेशन आर होगा वो आपका एम सेट हो जाएगा है ना रिलेशन आर जो है वो एम सेट हो जाएगा तो ये जो रिलेशन आर है इसको हम लोग एम रिलेशन कहेंगे ठीक है तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है अब ये एक एक्सट्रीम हो गया कि एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अब दूसरा मान लो कि मैंने ये कह दिया कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन आर अब इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर से सेम एग्जाम्पल को देखते हैं मान है, हम लो हमारा सेट ए है ना रिलेशन आर डैश हम लोग कह रहे हैं ए कोमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो अगर आप लोग मॉड ले रहे हो तब तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा है ना वन माइनस वन भी करोगे तो जीरो वन माइनस टू माइनस वन लेकिन मॉड ऑफ माइनस वन वन हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्डर पेयर हैं वो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपका जो आर डैस है वो आपका ए क्रॉस ए हो जाएगा है ना इक्वल टू आपका कार्टिशन प्रोडक्ट हो जाएगा तो इस केस में हम लोग आर को क्या कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन है ना मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए ठीक है मतलब हर एलिमेंट जो है वो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ हैं और फिर एम रिलेशन मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है तो वो रिलेशन को एम कहेंगे और ये वाला जो है इसको यूनिवर्सल कहेंगे ठीक है और इसको ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं कई बार ठीक है तो इससे आप लोग को लेना क्या दिमाग में कि हम लोग कोई एक सेट ए से स्टार्ट करते हैं रिलेशन आर इन सेट ए डिफाइन कर रहे हैं तो एक क्रॉस से आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा अब रिलेशन आर हम लोग इस टाइप से डिफाइन करेंगे कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई नहीं करेगा तो वो एम सेट हो जाएगा उसको एम रिलेशन कहेंगे और फिर अगर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसको जो है मतलब वो रिलेशन आपका बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस से और उसको जो है हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन पे जिसको हम लोग इक्वी रिलेशन कहते हैं तो इसका कंडीशन क्या है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है ठीक है पहला जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि वो सेट जो है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए फिर दूसरा वो आई I मीन mean वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और फिर वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए अगर रिलेशन जो है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब जो है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं ठीक है अभी हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं सिमेट्रिक किसको कहते हैं ट्रांजेटिव किसको कहते हैं तो देखते हैं तो रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए तो इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास ये सेट ए है ना सेट ए है हमारे पास यहाँ पर कुछ भी वन टू थ्री ठीक है तो अब जो रिलेशन आर है उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जबकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं है, है ना जो भी एलिमेंट आप ले लो तो आपको ए कॉमा ए आना चाहिए मतलब कि अगर वन है तो ये जो रिलेशन आर है इसमें वन कॉमा वन आना चाहिए ठीक है फिर आपका टू कॉमा टू भी आना चाहिए फिर आपका थ्री कॉमा थ्री भी आना चाहिए ठीक है ये तीनों आना चाहिए ये यह यहाँ पर ध्यान देना है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मतलब ये नहीं कि आर में अगर बस 1.1 और फिर 2.2 है और फिर अगर 3.3 नहीं है तो फिर ये जो होगा इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं इन सेट ए और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए ए बिलोंग्स टू दिस आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मतलब कि अगर हमारे पास मान लो कोई दूसरा आर डैस है जिसमें कि बस वन है और फिर थ्री है ठीक है तो ये रिलेशन आर को हम लोग सेट ए में डिफाइन कर रहे हैं तो फिर ये वाला जो होगा ये ऊपर वाला जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया क्यों क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो वन कोमा वन टू कोमा टू थ्री कोमा थ्री मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले लो तो उसका ए कमा ए वो प्रेजेंट है लेकिन ये जो आर डैस है इसमें आपका अगर आप लोग टू लोगे तो टू कोमा टू इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला जो होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ठीक है और ये वाला जो होगा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ठीक है तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट हम लोग सिमेट्रिक तभी कहेंगे जब फॉर ऑल ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू ए ए वन कॉमा ए टू बिलोंग टू आर एम्प्लाइज दैट ए टू कामा ए वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है ना तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी यहाँ पर एलिमेंट्स लेते हैं मान लो वन कॉमा टू लेते हैं तो ये जो रिलेशन आर है अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या है कि वन कॉमा टू प्रेजेंट होना चाहिए है ना और फिर आपके पास इसका जो सिमेट्रिक है मतलब कि टू कॉमा वन ये भी प्रेजेंट होना चाहिए फिर आप वन कॉमा थ्री लो तो फिर आपके पास फिर यहाँ पर थ्री कॉमा वन भी प्रेजेंट होना चाहिए फिर आप और क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो टू थ्री ले सकते हो तो टू कॉमा थ्री अगर प्रेजेंट है तो फिर आपके पास थ्री कॉमा टू भी होना चाहिए है ना तो ये इस टाइप का रिलेशन अगर हुआ तो फिर इसको जो है हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं है ना और फिर ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो हम लोग तीन एलिमेंट्स लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री बिलोंगिंग टू ए फॉर ऑल ए वन ए टू ए थ्री बिलोंगिंग टू ए तो ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर एंड ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू आर देन दिस शुड एम्प्लाई दैट ए वन कामा एल्सो बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या है कि मान लो रिलेशन आर है जिसमें कि हमारे पास वन कामा टू है और फिर हमारे पास टू कॉमा थ्री है तो फिर आपके पास वन कॉमन थ्री भी होना चाहिए ठीक है ये जो है तो ये ट्रांजिटिव का हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव और अगर कोई भी रिलेशन आर जो है ये तीनों है मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है तब जो है उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे ठीक है ये और क्लियर होगा थोड़ा सा जब हम लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मान लो ये एग्जाम्पल कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट वन कोमा टू कोमा थ्री मतलब कि कोई भी सेट ये है वन कोमा टू कोमा थ्री गिवन बाय वन कामा वन टू कोमा टू थ्री थ्री वन टू टू थ्री इज रिफ्लेक्सिव बट नीद सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर सेट ए में मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं तो सबका ए कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए मतलब वन कामा वन होना चाहिए टू कोमा टू होना चाहिए थ्री कोमा थ्री होना चाहिए तीनों प्रेजेंट है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि अगर मतलब यहाँ पर ए वन कोमा ए टू है तो ए टू कोमा ए वन भी होना चाहिए फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंगिंग टू ए तो वन कोमा टू और फिर टू कोमा वन भी होना चाहिए लेकिन टू कोमा वन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो गया ये सिमेट्रिक नहीं हुआ फिर ट्रांजिटिव वन कोमा टू टू कामा थ्री प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पर आपके पास वन कोमा थ्री भी प्रेजेंट होना चाहिए था तो ये वाला जो है ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है और फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है और एक एग्जाम्पल देखते हैं और ये सारे आपके एन सी आर टी के एग्जाम्पल हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लेट टी बी दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय मतलब कि हमारे पास कोई एक सेट है टी जिसमें कि जितने भी ट्राइंगल्स आप लोग बना सकते हो जितने भी अलग अलग टाइप के ट्राइंगल बना सकते हो वो सारे ट्राइंगल जो हैं वो आपके पास है ठीक है वो इसको जो है हम लोग सेट टी कह रहे हैं तो मान लो कि सेट टी है कुछ इस टाइप का कि हम लोग ट्राइंगल टी वन टी टू टी थ्री है ना ऐसे करके मतलब जितना भी आपके पास ट्राइंगल्स हैं वो सारा का सेट बना के हमारे पास ट्राइंग ये उसको हम लोग टी कह रहे हैं फिर हम लोग रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं इन टी मतलब क्या कि हमारे पास टी क्रॉस टी है कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर इसका हम लोग कुछ सबसेट ले रहे हैं रिलेशन आर गिवन बाय आर इज़ इक्वल टू टी वन कॉमर टी टू सस दैट टी वन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टी टू मतलब कि हम लोग बस वो वाला ऑर्डर्ड पेयर लेंगे है ना जिसमें कि जो पहला आपके पास ट्राइंगल आ रहा है और फिर जो दूसरा ट्राइंगल आ रहा है ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने चाहिए ठीक है तो इसमें बोल रहा है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या से चेक करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया कि आपके पास ए कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए है ना मतलब कि कोई भी आप एक एलिमेंट ले लो ये सेट टी का मतलब मान लो कि ये हम लोग टी वन लेते हैं तो T1 तो अपने आप के लिए कॉन्ग्रेंट हो गई है ना तो T1 वन कॉमर टी तो प्रेजेंट हो गई आपके रिलेशन में फिर T2 अपने आप के साथ जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गई है ना ट्रायंगल जो भी T2 लेते हैं तो T2 टू कॉमर टी फिर उसके बाद T3 थ्री कॉम थ्री या फिर मतलब कि ये जो सेट है इसमें से आप कोई भी ट्राइंगल ले लो तो उसका ऑब्वियसली मतलब ये जो पेयर रहेगा ये आपका प्रेजेंट होगा तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रेंट टू इट ठीक है तो ये तो पहला कंडीशन हो गया कि रिफ्लेक्सिव हो गया अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक तो मान लो हमारे पास है कोई भी दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं तो T1 वन ये जो है T2 मान लो कि ये दोनों कॉन्ग्रोन्ट है तो T1 T2 टी है मतलब कि T2 T1 भी कॉन्ग्रेंट है है ना तो दिस इम्प्लैक T1 वन इज़ कॉन्ग्रोन्ट टू टी या फिर T2 टू इज कॉन्ग्रेंट टू टी मतलब कि T2 टू कॉमा भी आपका जो रिलेशन है उसमें बिलोंग करेगा है ना मतलब T1 T2 अगर रिलेशन आर में है तो फिर आपका T2 T1 भी होना चाहिए तो और फिर ये टी वन टी मतलब कोई भी आप ट्रायंगल ले लो सबके लिए ये जो है वैलिड है तो इसका मतलब क्या हो गया रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया अब तीसरा कंडीशन चेक करते हैं ये आपका ट्रांजिटिव का तो ट्रांजिटिव का क्या है मान लो कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है टी वन कोमा टी टू दूसरा है टी टू कोमा टी थ्री तो इसका मतलब क्या है कि टी वन और टी टू कॉन्ग्रुएंट है और फिर टी टू और टी थ्री कॉन्ग्रुएट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टी वन और टी थ्री जो है ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये दोनों हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं टी वन टी टू टी टू टी थ्री तो टी वन टी थ्री भी रिलेशन आर में होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए तो ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव भी है ये सिमेट्रिक भी है और फिर ये ट्रांजिटिव भी है तो ये जो रिलेशन आर है इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं ठीक है थोड़ी देर में आप लोग को पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन पर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि लेट एल बी दी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन मतलब कि एक प्लेन में जितने भी लाइंस आप लोग बना सकते हो वो सारे का सेट अगर लोगे तो हमारे पास हमारे कोई भी एस ये एल है है ना सारे लाइंस का अगर आप लोग सेट लो, सेट ले लोगे तो एंड आर बी अ रिलेशन इन एल मतलब अगेन कि एल क्रॉस एल है और फिर इसका हम लोग कोई सबसेट ले रहे हैं डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एल वन कोमा एल टू सच दैट एल वन इज़ परपेंडिकुलर टू एल टू ठीक है मतलब कि ये दो जो हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू तो शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजेटिव तो देखते हैं तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का क्या होना चाहिए कि कोई भी अगर हम लोग यहाँ से एलिमेंट लेते हैं मान लो L1 है यहाँ पर L2 है L3 है L4 जो भी है जितना भी है तो L1 अगर हम लोग लेंगे तो L1 वन को एल वन यहाँ पर होना चाहिए है ना लेकिन अगर हम लोग कोई एक लाइन लेते हैं तो वो लाइन अपने ऊपर तो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना मतलब ये लाइन अगर एल है फिर से L1 वन अगर लेंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो नहीं होगा तो L1 वन कोमा एल जो है वो इस रिलेशन R में सेटिस्फाई नहीं होगा क्यों क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के तो ऑब्वियसली ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा है ना तो हमारा जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है अब सीमेट्रिक का देखते हैं तो सीमेट्रिक का क्या था कि अगर L1 वन कोमा है तो फिर L2 टू कोमा भी प्रेजेंट होना चाहिए तो अगर लाइन L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली L2 जो होगा वो भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा है ना तो R जो है वो हमारा सिमेट्रिक हो गया है ना अब तीसरा जो है ट्रांजिटिव का चेक करते हैं तो ट्रांजिटिव का क्या था कि अगर L1 वन को एल प्रेजेंट है और फिर हमारे पास मतलब कि यहाँ पर एल वन को प्रेजेंट है एल टू को प्रेजेंट है तो एल वन को भी प्रेजेंट होना चाहिए था रिलेशन आर में लेकिन ये एग्ज़ाम्पल अगर देखते हैं मान लो एल वन एल टू के ऊपर परपेंडिकुलर है है ना और फिर एल टू जो है एल थ्री के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एल वन और एल थ्री परपेंडिकुलर होगा है ना इंस्टेड ये दोनों यहाँ पर क्या है पैरेलल हैं तो एल वन को एल थ्री जो है ये रिलेशन आर में नहीं आएगा तो ये वाला जो होगा ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा ठीक है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बस आपका सिमेट्रिक हो जाएगा अब नेक्स्ट हम लोग और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई तो हमारे पास सेट ऑफ़ इंटीजर्स मतलब कि ये जेड है है ना और जितने भी हम लोग इंटीजर्स लेते हैं कि नेगेटिव यहाँ पर सारे इससे कि माइनस टू माइनस वन फिर ज़ीरो वन टू है ना ये सारा जो सेट ऑफ़ इंटीजर्स है हमारे पास तो रिलेशन आर इन दी सेट जेड मतलब कि जेड क्रॉस जेड हम लोग देख रहे हैं ऑफ इंटीजर्स गिवन रिलेशन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी मतलब कि इससे जो भी आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे तो हम लोग बस उसी ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे जिसमें कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का अगर हम लोग डिफ्रेंस ले रहे हैं तो वो जो है टू से डिवाइड होना चाहिए ठीक है तो इसमें देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं तो पहले तीनों कंडीशन चेक करते हैं तो पहला रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब कोई भी एलिमेंट ए अगर हम लोग उठाते हैं तो ए कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन आर में है ना तो ए कॉमा ए मतलब क्या ए माइनस ए तो ए माइनस ए तो ज़ीरो है तो टू उसको डिवाइड करेगा है ना मतलब जीरो बाई टू आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया तो ये पहला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गया अब सिमेट्रिक का चेक करते हैं सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी जो है उसको अगर हम लोग टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो अगर ए कॉमा बी है तो अगर हम लोग बी कौा ए लेते हैं तो सिंस ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय टू तो इसका मतलब क्या होगा कि बी माइनस ए जो होगा वो भी डिविजिबल बाय टू होगा है ना लॉजिक लगा के तो फिर अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो फिर बी कॉमा ए भी हमारा प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है हमारा सिमेट्रिक हो गया ठीक है फिर उसके बाद ट्रांजिटिव का देखते हैं तो ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है ए कोमा बी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई टू है फिर अगर बी कॉमा सी प्रेजेंट है अगर बी कॉमा सी प्रेजेंट है तो आपके पास इसका मतलब हो गया कि बी माइनस सी जो है ये भी डिविजिबल हो गया तो अगर ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई टू है ये नंबर है डिविजिबल बाई टू है अगर हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है a माइनस सी आ रहा है ना तो अगर ये आपका डिविजिबल बाई टू है यह आपका डिविजिबल बाई टू है दोनों को ऐड करके जो भी नंबर आ रहा है तो ये भी डिविजिबल बाई टू होना चाहिए तो ए को बी प्रेजेंट है बी को सी प्रेजेंट है इसका मतलब ए को सी भी प्रेजेंट होना चाहिए है ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक हो गया फिर आपका ट्रांजिटिव हो गया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आ है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ठीक है अब हम लोग जो है इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है अब देखो अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या था सेट ऑफ इंटीजर्स था यहाँ पर है ना जेड कि यहाँ से आप लोग जा रहे हो यहाँ पे माइनस टू माइनस वन फिर आपके पास ज़ीरो वन टू फिर सो so वन तो अब जो ये रिलेशन आ रहा है इसमें किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे थोड़ा सा अगर सोचोगे तो एक इस टाइप का मिलेगा कि ज़ीरो के साथ प्लस माइनस टू है ना कि जीरो कॉमा टू तो उसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास डिवाइड बाई टू हो जाएगा फिर जीरो के साथ प्लस माइनस फोर है ना एंड सो ऑन मतलब कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो जीरो के साथ आएंगे फिर आपके पास जितने भी ऑड नंबर्स हैं मतलब कि वन कॉमा फिर प्लस माइनस थ्री कुछ इस टाइप से है ना तो थ्री माइनस वन ये आपका डिविजल बाई टू फिर आपके पास वन कॉमा प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये इक्वैलेंस रिलेशन का कि ये आपका जो नंबर्स हैं मतलब ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इसको दो मतलब ये जो ऑरिजिनल आपका सेट था इसको दो सेट्स में डिवाइड कर रहा है सबसेट्स में इसको आप लोग सोच सकते हो कि जितने भी यहाँ पर इवन नंबर्स हैं है ना जितने भी इवन नंबर्स हैं वो जीरो के साथ रिलेटेड हैं और जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं वो वन के साथ रिलेटेड हैं ठीक है तो ये जो एक क्लासिफिकेशन आपके पास आ रहा है तो थोड़ा सा फॉर्मली कहते हैं इन एग्जाम्पल फाइव नोट दैट ऑल इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू जीरो एज दिस लाई इन आर एंड नो ऑड इंटीजर इज रिलेटेड टू जीरो मतलब कि जीरो प्लस माइनस वन ये सब आपको नहीं मिलेगा है ना क्योंकि डिफरेंस जो होगा वो डिवाइड बाई टू नहीं होगा सिमिलरली जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो आपके वो जो है वन के साथ रिलेटेड है है ना और जीरो के साथ कोई भी ऑड इंटीजर नहीं आएगा देरफो द सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड द सेट ओ ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स आर सबसेट्स ऑफ जेड तो ये जो इक्वेलेंस रिलेशन है इसने क्या कर दिया कि इसने जो है इस टाइप से कुछ सेग्रीगेट कर दिया है ना एक में आपका सारा इवन नंबर्स आ रहे हैं और फिर मतलब सारा इवन इंटीजर्स आ रहे हैं और फिर यहाँ पर सारा आपका ऑड इंटीजर्स आ रहा है ठीक है और ये कैसे हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और सारे इंटीजर्स वाले को अगर मैं ई कहता हूँ ऑल इवन इंटीजर्स को तो कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ से वो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं जितने भी यहाँ पर आप ले लोगे टू के साथ आप फोर ले लोगे है ना या फिर फोर के साथ सिक्स ले लोगे तो ये सारे एक आपस में रिलेटेड हैं और फिर जितने भी ऑर्ड यहाँ पर इंटीजर्स है वो आपस में रिलेटेड है मतलब कि थ्री कॉमा फाइव है ना फिर सेवन कॉमा नाइन मतलब जो भी आप ऑर्ड ले लो तो वो आपस में रिलेटेड है ठीक है और फिर कोई भी ये जो सेट ई है इवन इंटीजर्स का कोई भी इसके साथ रिलेटेड नहीं है ऑर्ड वाले के साथ मतलब कि यहाँ पर आपको टू कॉमा थ्री नहीं मिलेगा या फिर फोर कॉमा नाइन नहीं मिलेगा है ना तो ये समझ में आ रही है बात कि जो ये सेट था हमारे पास इंटीजर्स का तो ये दो पार्ट में सेग्रीगेट हो गए एक हमारा सेट ऑफ़ इवन इंटीजर्स कह सकते हैं ई दूसरा कह सकते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ओ तो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ये सारे आपस में रिलेटेड हैं ये जो ऑड वाले हैं सारे आपस में रिलेटेड हैं लेकिन कोई भी इवन वाला जो है ऑड के साथ रिलेटेड नहीं है कोई भी ऑड वाला जो है इवन के साथ रिलेटेड नहीं है तो इसमें क्या कह सकते हैं ई एंड ओ जो है इसको हम लोग डिसजॉइंट कह सकते हैं और फिर अगर हम लोग दोनों का यूनियन ले लेंगे मतलब कि जितने भी यहाँ पर ईवन नंबर्स आए हैं और फिर जितने ऑड नंबर्स आए हैं दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास फिर से जो है ये सेट ऑफ़ इंटीजर्स पूरा आ जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट है सेट ऑफ़ इंटीजर्स मान लो यहाँ पर और उसमें जो है हम लोग रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा कि वो जो ओरिजिनल सेट है उसको सबसेट्स में डिवाइड कर देगा ठीक है और वो जो सबसेट्स हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं ठीक है इसको हम लोग थोड़ी देर में और डिटेल में देखेंगे तो ये वाला जो एग्जांपल था सेट ऑफ इंटीजर्स फिर हम लोगों ने ये रिलेशन डिफाइन किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया सबसेट ई e आ गया है ना इवन नंबर्स वाले का तो सबसेट ई e, इसको एक क्लास कहते हैं इक्वैलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो हैं जीरो के साथ रिलेटेड हैं तो इसको हम लोग ये बॉक्स ज़ीरो के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और फिर ये सारा जो है ये ऑड वाला आ गया है ना जिसमें कि सब वन के साथ रिलेटेड है तो इसको जो है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन कह सकते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं है ना बॉक्स वन ठीक है तो ये इक्विवेलेंस क्लास में जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो अभी जो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में देखा हम लोगों ने देखा कि सबसेट ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो जिसको हम लोगों ने इससे डिनोट किया और फिर आपका जो ओ है उससे हम लोगों ने जितने भी ऑड वाले थे उसको हम लोगों ने डिनोट किया है ना और फिर ये जो ईवन वाला है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्ड है ना इवन इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्ड और फिर ईवन वाले का जो है हम लोग टू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर जो ऑर्ड जितने भी आपके पास जो सेट आया था सबसेट उसको हम लोग टू आर प्लस वन से डिनोट कर सकते हैं जिसमें आर जो है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजेड है ठीक है तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है दैट इज़ ट्रू फॉर एनी आर्बिट्ररी इक्वैलेंस रिलेशन आर इन अ सेट एक्स तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास सेट ऑफ़ इंटीजर्स जेड था और हम लोगों ने रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया ये सेट ऑफ इंटीज़र पे। तो उसने जो है उसको डिवाइड कर दिया इवन एंड ऑड में है ना जिसको कि हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं तो ये जो है ट्रू आपका कोई भी रिलेशन के लिए होगा कोई भी जनरल सेट एक्स है मान लो इसमें हम लोगों ने कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया तो वो जो है इसको सबसेट्स में डिवाइड कर देगा जिसको हम लोग ए आई कह सकते हैं या फिर इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं ठीक है तो गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स ये जो रिलेशन आर है इट डिवाइड्स एक्स इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई मतलब कि यहाँ पर आपके पास ए वन ए टू ए थ्री है ना एंड सो वन तो इसको जनरल टर्म में ए आई कह दिया तो ये ए वन और ए टू जो है आपस में रिलेटेड नहीं होगा है ना मतलब ए वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे ए टू में जितने हैं वो सारे आपस में रिलेटेड होंगे लेकिन ए वन का कोई भी एलिमेंट ए टू के साथ रिलेटेड नहीं होगा मतलब कि ये दोनों जो होंगे वो डिसजॉइंट होंगे मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई और फिर नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे ठीक है आई होप आपको समझ में आ रही है बात और फिर अगर ये सारे ए वन जितने भी हैं इसका अगर यूनियन लोगे तो आपके पास फिर से ये एक्स मिल जाएगा ठीक है और अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एम सेट मिलेगा ठीक है और इसको जो है हम लोग इक्वैलेंस क्लास कहते हैं क्लासेस कहते हैं तो ये थोड़ा सा आप लोग को शायद पहली बार अगर सुन रहे हो तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई भी आप लोग एक सेट uh, ले लो मान लो एक्स लेते हैं और फिर इसमें हम लोगों ने एक इक्वैलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया तो वो इक्वैलेंस रिलेशन क्या करेगा इसको सबसेट्स में डिवाइड कर देगा ए वन ए टू ए थ्री एंड सो वन है ना तो इसी को जो है इसको हम लोग इक्वैलेंस क्लास कहते हैं तो इक्वैलेंस क्लास का मतलब क्या हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स ए वन में हैं, वो आपस में रिलेटेड है ए टू में जितने वो आपस में रिलेटेड हैं लेकिन ए वन का कोई भी एलिमेंट ए टू के साथ रिलेटेड नहीं है ए टू का कोई भी ए थ्री के साथ नहीं है ए टू का कोई भी ए वन के साथ रिलेटेड नहीं है ठीक है और अगर ये सारे का यूनियन लोगे तो आपको फिर से ये सेट एक्स मिल जाएगा और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो फिर आपको एम टी सेट मिलेगा और इसका एग्जाम्पल ये था जो अभी हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ एंटीजर्स था इक्वेलेंस रिलेशन डिफाइन किया तो उसने ई और ऑड में डिवाइड कर दिया तो जितने भी एलिमेंट्स ई में हैं वो आपस में रिलेटेड हैं जितने भी ऑड में हैं वो आपस में रिलेटेड है लेकिन ईवन का कोई भी एलिमेंट जो है ऑड के साथ रिलेटेड नहीं है ऑर्ड का कोई भी एलिमेंट जो है ईवन के साथ रिलेटेड नहीं है अगर दोनों का यूनियन लोगे तो आपको वापस जो है फिर से आपको सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएंगे तो और एक एग्जांपल देखते हैं ठीक है इसमें और एक इसमें क्या था द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज दैट वी कैन गो रिवर्स ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ सब डिवीजन ऑफ द सेट जेड गिवन बाई थ्री म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए वन ए टू ए थ्री हुज यूनियन इज जेड विथ तो यहाँ पर क्या कह रहा है मान लो ये हम लोग एग्जाम्पल कहते हैं कि हमारे पास फिर से वही सेट ऑफ इंटीजर्स z है ठीक है अब जो है हम लोगों ने रिलेशन r ऐसे डिफाइन किया है कि a कॉमा बी सच दैट थ्री डिवाइड्स ए माइनस बी जो हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें टू डिवाइड्स a माइनस बी था ठीक है तो अगर ये रिलेशन का आप लोग फिर से सेम चीज़ करोगे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल फाइव में किया था तो आप लोग देखोगे कि ये जो रिलेशन आर है ये फिर से जो है इक्वी रिलेशन आएगा ठीक है ऐसा क्यों होगा क्योंकि सबसे पहले मान लो कि हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं तो अगर कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं और ए कॉमा ए तो ए माइनस ए तो जीरो होगा तो वो डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा अगर आपके पास ए कॉमा बी है तो इसका मतलब क्या है ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई थ्री है तो आपके पास बी कॉमा ए भी होना चाहिए क्योंकि ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई थ्री है तो बी माइनस ए जो है वो भी डिविजिबल बाय थ्री होगा अब कोई भी आपके पास ए कॉमा बी है और फिर आपके पास बी कॉमा सी है है ना तो ए माइनस बी डिविजल है बी माइनस सी डिविजिबल है दोनों का अगर हम लोग सम लेंगे तो आपके पास ए माइनस सी आएगा या फिर ए कॉमास सी तो फिर ए कॉमास सी जो है वो भी डिविजिबल होना चाहिए तो ये वाला जो रिलेशन आ रहा है ये फिर से जो है वो आपका इक्वैलेंस रिलेशन हो गया तो अब ये जो इक्वैलेंस रिलेशन है ये क्या कर रहा है यहाँ पर अगर ध्यान से सोचोगे कि आपके पास एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो के साथ Uh, जो जीरो के साथ है वो uh, आपका रिलेटेड है है ना तो मान लो जैसे जीरो प्लस माइनस थ्री है ना ज़ीरो प्लस माइनस थ्री या फिर ज़ीरो प्लस माइनस सिक्स एंड सो वन तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं मतलब कि जिसको हम लोग थ्री आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो सारे ज़ीरो के साथ रिलेटेड होंगे ठीक है फिर आप लोग सोच सकते हो जितने भी थ्री आर प्लस वन वाले हैं मतलब कि इस टाइप से फोर सेवन है ना तो ये जो है वन के साथ रिलेटेड होगा मतलब जैसे वन कामा फोर या फिर वन कामा सेवन ठीक है तो ये वाला जो है ये सारा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा या फिर ये वाला थ्री आर प्लस वन और फिर तीसरा आपके पास आएगा जो कि टू के साथ रिलेटेड होगा मतलब टू कामा फाइव टू कामा एट ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा सोचेगा तो तीसरा जो है ये इसको इसमें डिवाइड करेगा थ्री आर प्लस टू मतलब एक आपके पास होगा कि एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री दूसरा होगा x माइनस वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री और फिर तीसरा होगा x माइनस टू इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल यहाँ पर z था ठीक है और z को जो इक्वेलेंस रिलेशन है उसने डिवाइड कर दिया हमारे हमारे पास एक ये ए वन आ गया जिसको हम लोग थ्री आर लिख सकते हैं या फिर जीरो के साथ रिलेटेड वो लिख सकते हैं फिर दूसरा आ गया कि वन के साथ रिलेटेड है या फिर थ्री आर प्लस वन और फिर ये हमारे पास तीसरा आ गया यहाँ पर थ्री आर प्लस टू या फिर जिसको हम लोग इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा अगर ये तीनों का ये तीनों को हम लोग इक्वेलेंस क्लास कहते हैं और फिर तीनों का अगर यूनियन लोगे तो आपको फिर से सेट ऑफ इंटीजर जेड मिल जाएगा ठीक है तो हम लोगों ने जो इक्वैलेंस रिलेशन के बारे में कहा उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन काफ़ी सिंपल है कि कोई भी सेट एक्स है इसमें कोई रिलेशन आर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जो कि इक्वैलेंस रिलेशन है इक्वैलेंस रिलेशन के हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि रिफ़्लेक्सिव है कि नहीं फिर उसके बाद सिमेट्रिक है कि नहीं है ना ये अभी तक हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल में देख लिया फिर उसके बाद ट्रांजिटिव है कि नहीं ठीक है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया और अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर वो जो ये सेट एक्स है उसको ये डिवाइड कर देगा आपका इक्विवेलेंस क्लासेज में जिसको कि हम लोग ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन है ना ये सारे इक्वेलेंस क्लास में हम लोग लिख, लो, लिख सकते हैं जिसको हम लोग इन जनरल केस ए आई लिख सकते हैं ठीक है और ये सारे का अगर यूनियन ले लोगे तो फिर आपको फिर से जो है ये ओरिजिनल सेट एक्स मिल जाएगा ठीक है तो आज हम लोगों ने जो किया वो एक बार फिर से देख लीजिए और फिर जो एन सी आर टी का चैप्टर वन है वो एक बार पढ़ लीजिए स्टार्टिंग से ठीक है जितना भी टेक्स्ट लिखा है तो और थोड़ा क्लियर होगा और जितने भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए ठीक है तो इसके साथ रिलेशन्स को यहीं पर रखते हैं और फिर अगले वीडियो में जो है हम लोग फंक्शंस देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या सब है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में